हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज गोटे सर्ट भिडियो आम देखा इकोनॉमिक्स रो गोटे छोटे टॉपिक नहीं आसी तुम्हें प्लानिंग इन इंडिया। समझे तो यहाँ पढ़ापी मोर देन 2 hours या 5 hours लग पारे, बट मुझ तुमको सर्टली जस्ट खाली मन रखापी कहीदेवी केमती कौन प्लानिंग कौट स्टार्ट होता केतटा प्लानिंग आम इंडिया अच्छी एंड बर्तमान करेन्ट सिचुएसन कौन प्लानिंग रो जस्ट खाली ये देखा है। तो बोले दिस इज द माय फर्स्ट स्लाइड प्लानिंग इन इंडिया। मो ना हूँ सतीश कुमार साहू। स्टार्ट करने पूर्व फर्स्ट मुझे तुमको गोटे स्लाइड देखेबी, यदि आम नेक्स्ट स्लाइड को जीवा देन ये हूँ आमर फेमस पर्सन एम विश्वेश्वराय, ताको कहा जाए फादर ऑफ प्लानिंग। ठीक अच्छे, एम विश्वेश्वराय जने नोटेड इंजीनियर जने सिविल इंजीनियर से थिले एंड प्रथम इंडिपेंडेंस पूर्व 1947 पूर्व जेहेतु बहुत ही अधिक एजुकेटेड थिले एंड गोटे सिविल इंजीनियर थिले एंड बहुत सारा डैम पाई भी से कंट्रीब्यूशन करचंदी, तेणु से प्रथम चिंता करथिले कि इंडिया आगु को बढ़िया पे कौन प्लान हवा दरकार। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ठीक अच्छे, एंड कंट्रीब्यूशन 1955 रे भारत रत्न रे उपाधि दिया। तो देखो मु सब जिन गुडाक ये मेनसन कर 101 वर्ष पखापाखि से बंची थे एंड जदि किए इंजीनियरिंग पिला थी से डेफिनेटली रिकग्नाइज कर पार्थिव इंजीनियर्स डे आम पालन करुचे जन्मदिन को सेप्टेम्बर 15। ओके, सेप्टेम्बर 15 इज इंजीनियर्स डे, तेणु एत सारा जो ना कहली एत तारीफ कली तेणु तक आम कौन कौच बोले फादर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। देखो सब जिन अच्छी स्कॉलर एम विश्वेश्वराय। ओके, एंड बॉर्न इन 1715 सेप्टेम्बर 1860। ठीक अच्छे, बर्थडे को इंजीनियर्स डे हिसाब से पालन करा जाए। ओके, एंड यहाँ मेनसन कर दीजिए के भी जन्म करते देख 15 सेप्टेम्बर जन्मग्रहण करते तेणुकर जन्मदिन कौन पालन कराए इंजीनियर्स डे हिसाब से पालन कराए। ठीक अच्छे, एंड से चीफ इंजीनियर्स थे कृष्णा राजा सागर डैम रो मैसूर रे जोटा अच्छे टिके झलक तुम लिंगा मूवी देखिपर रजनीकांत जो थे आक्टिंग करती सी भी गोटे डैम परपोज निला से जो थे आक्टिंग कर तो किसी सी भी से एक्चुअली तुम जो एम विश्वेश्वर अच्छा से मैसूर एक्स दीवान थे एंड लिंगा मूवी भी जो रजनीकांत कैरेक्टर अच्छे एक्जाक्टली सही टाइप रिच कैरेक्टर अच्छी इंग्रेज मैंने दवापी पैसा मना करते एंड तो निज राज्य बिकी से गोटे डैम बनते कि झलक आम देखिपर। ओके, सो ताक मिलता पहले तेल फाइनाली 1955 भारत रत्न देख लिखाई रिसीव्ड भारत रत्न इन 1955 हम 101 वर्ष पर्यंत से प्राय बंची थे एंड इवेन ना इंग्लैंड रे भी गोटे बड़ डैम अच्छी। ओके, तो ये सारा कंट्रीब्यूशन था तेनाली आराम से मन रख परीक्षा भी बहुत इंपोर्टेंट जिनस एम विश्वेश्वराय फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। एवं जेहेतु ये फादर अच्छा तेणु अनऑफिशियल प्लानिंग विषय में मुझे कहबि तुम्हें तो ना गुड़ाक सीरीयली मन रखिपर कारण परीक्षा हल्ले तुमको सीरीयली ना गुड़ाक भी पचार दे पारे। देख ये अच्छी तुम देखिपर अनऑफिशियल प्लान किसी मुझे लिस्ट तुम नहीं आस परीक्षा हल्ले तुमको सिक्वेन्स बनवाई क्वेश्चन पचारद है तो मुझे तुमको विथ इयर सहित ना गुड़ाक भी मेनसन कर दीजिए टी टे खाली तुमको कहीकि देख पे द विश्वेश्वराय प्लान प्रथम जोड़ा तुम थी द विश्वेश्वराय प्लान तांकरे ना रे फर्स्ट आसला 1934 वे बियॉन्ड बिफोर कौन तुम इंडिपेंडेंस पूर्व बहुत पूर्व। देन सेकेंड इज योर बाय FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज 1934 पखापाखी भी गोटे FICCI भी गोटे प्रपोजल आसी प्लानिंग उपर। देन थर्ड सिक्वेन्स तुम आसूसी बाय कांग्रेस कांग्रेस प्लान कह जाए 1938 आसला तुम प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू सेक्रेटरी थे तो से नहीं कि आसते तुम कांग्रेस प्लान। तापर फोर्थ आसला 1944 कौन आसला बॉम्बे प्लान
ବମ୍ବେ ସେମିତିରେ ବି ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସିଟି ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଚାରିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଟ୍ରୋ ସିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ବମ୍ବେରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସୋ ଏଇଟ୍ ଲିଡିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ବମ୍ବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜେଆର୍ଡି ଟାଟା, ଜି ଡି ବିର୍ଲା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ହବ ତ ପପୁଲାର ନାଁ ଗୁଡ଼ା ବି ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଲି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ ତାପରେ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଆନ ପ୍ଲାନ୍, କେବେ 1945, ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଏସ୍ଏନ୍ ଅଗ୍ରୱାଲ। ମନେ ରଖିବା ନାଁ ଗୁଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଥିଲା ବୋଲି ପିପଲ୍ସ ପ୍ଲାନ୍, ଏମ୍ ଏନ୍ ରୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ପିପଲ୍ସ ପ୍ଲାନ୍, ରାଡିକାଲ ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। 1945ରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି 47 ପରେ, ଓବିୟସଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପରେ ଆସିଥିଲା, ସର୍ବୋଦୟ ପ୍ଲାନ୍। ଓକେ, ସର୍ବୋଦୟ ପ୍ଲାନ୍ 1950 ପରେ ଆସିଥିଲା। ତ 1950 ପରେ ହିଁ ସର୍ବୋଦୟ ପ୍ଲାନ୍ରୁ କିଛି ଅଂଶ ନେଇକି ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆସିଲା, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ୟୋର୍ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ। ତ 1950ରେ ତୁମର ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଆସିଲା। ହବ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ପ୍ଲାନ୍ର ଅର୍ଡ଼ର ଗୁଡ଼ାକ ସଜା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ। ଇଏ ଦେଖ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ, ଆକୁ ବି ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ତୁମର 1950ରେ ଆସିଲା। ଓକେ, 50ରେ ଆସିସାରିଲା ପରେ NDC, ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ, ତାମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ। ଓକେ, ଆମେ ସେମିତିରେ ବି ରଷିଆରୁ ପ୍ଲାନିଂ ମଡେଲକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ଜୋସେଫ୍ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା। ତ ସେଇଠୁ ରଷିଆରୁ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଯାହା ବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ NDC। କେବେ ଆସିଲା ବେଲେ 1952 ଅଗଷ୍ଟ 6ରେ ଆସିଲା। ହବ ତେଣୁ ମନେ ରଖିପାରିବ ଇୟର୍ ଟର୍ନ, ତମର ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଆସିଲା 1950ରେ, ଆଣ୍ଡ NDC, ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ ଆସିଲା କେବେ 1952ରେ। ହବ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। NDC କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଇଥିଲା ନା, ପ୍ଲାନିଂକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ କରିବା ପାଇଁ କରାହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଷ୍ଟ ସର୍ଟ ସର୍ଟ ଜିନିଷଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଏତିକି ତମର ପଚାରିବ ହେଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମକୁ ସେଇ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ତମର ସବୁଯାକ ଅର୍ଡ଼ର ଗୁଡ଼ାକ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଥିଲା। ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ 1950ରେ ଆସିସାରିଲା ପରେ ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଲା କେବେ ପିଲେ, 1951ରୁ 1956। ହବ ତ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ମାରିଦେଉଛି, ତମେ ଦେଖିପାରିବ ପିଲେ 51ରୁ 56 ମତଲବ କେତେ ବର୍ଷ ପିଲେ, 5 ବର୍ଷ ତାହେଲେ, 5 ଇୟର୍। ତେଣୁ କଥା କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା, 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ହବ ସୋ 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍, ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ଆସିଥିଲା, 1951ରୁ 1956। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆମ୍ଫାସିସ୍ କାହା ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାନିଂଟା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଥିଲେ। ହବ ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ ତାକୁ ହିଁ ଲାଗିକି 56ରେ ଶେଷ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ 56ରୁ 61, ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ତାହେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲା। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ଟା ତୁମର କାହା ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ଥିଲା ବୋଲେ, ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ଟା ତୁମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ଥିଲା, ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାନ୍ରେ ତୁମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଆସିଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲାନିଂରେ ତୁମର ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପରୀକ୍ଷାର ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଥାର୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା 61ରୁ 66, ଏଗେନ୍ 5 ବର୍ଷ ତାହେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲା। ଥାର୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ ବେଳକୁ ତୁମର 65 ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ଚାଇନା ସହିତ ତୁମର ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାର୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଏତେ ତୁମର କ'ଣ ହେଇପାରିଲାନି, ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡ଼େ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ। ବହୁତ ଡ୍ରଟ୍ ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ଓକେ, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ, ଚାଇନା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ତ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ହଲିଡ଼େ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ। ହଲିଡ଼େର ନାଁ କ'ଣ ରଖିଲେ ପିଲେ, ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡ଼େ। ଓକେ, କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା, 3 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ତୁମର ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ୍ ଆସିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ୍ ମତଲବ କ'ଣ ନା, 5 ବର୍ଷ ଯେ ଆସିଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଧରିକି ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, 3 ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପିଲା କ'ଣ ଭାବନ୍ତି କି 66ରୁ 69 ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ କନସିଡର କରନ୍ତି, ନୋ। 3 ବର୍ଷର ମିନିଂ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, 3ଟା ଆନୁଆଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଥିଲା ବୋଲି, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 3ଟା ଆନୁଆଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଥିଲା, 66ରୁ 67 ଗୋଟେ, 67ରୁ 68 ଗୋଟେ, 68ରୁ 69 ଗୋଟେ। ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଦେଖୁଛ ନା, 5 ବର୍ଷ ଯୋଜନା, 3 ଇୟର୍ର ମିନିଂ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସିଙ୍ଗଲ ସିଙ୍ଗଲ ଆନୁଆଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶିକି 3 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ କମ୍ବାଇନ୍ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲେ, ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡ଼େ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହବ ପୁଣି ଥରେ ତୁମର ଫୋର୍ଥ ପ୍ଲାନ୍ 69 ପରେ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲା, 69 ଟୁ 74। ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ରାଇଟ୍ ମାରିଦେବା, କେତେ ବର୍ଷ ପିଲେ, 5 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି।
फोर्थ परे पुनी फिफ्थ को आसला फिफ्थ केते केते पले 74 रु 79 ठीक अछि पुनी 5 वर्ष 5 इयर ओके अच्छा किंतु फिफ्थ प्लान बेलो को सब मेजर जिनस जोटा इंडिया हेतिला ब्लैक डे बोल तक कह जाए 25 जून 1975 रे तुमर एमरजेंसी डिक्लेयर होला बाय इंदिरा गांधी तो तुम देखिपर 74 रु 79 मतलब 75 ए मझे आस 75 रे जो एमरजेंसी डिक्लेयर होगा तो वर्तमान तुम ये फिफ्थ प्लांटा कंटिन्यू हो पारा ना परीक्षार इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कौ प्लानिंगटा फाइव इयर पूर्व ही तुम कौन होता ना ड्रप हो जाता दैट इज फिफ्थ फाइव इयर प्लान ठीक अच्छे तो मैंने 78 रे डिमोलिश कर दिगला 78 भांगी दिगला ओके एंड से टाइम तुम मोरारजी देसाई थे से टाइम तुम वाजपेयी थे अडवाणी थे समस्ते जेल जाइए से टाइम ओके तो बर्तमान 75 रे जो तुम एमरजेंसी डिक्लेयर होगा पाखापाखी 2 वर्ष पर्यटन रहा 25 जून आरंभ करके नेक्स्ट 77 पर्यटन 75 रु 77 2 वर्ष मत रहा 78 रे मोरारजी देसाई आसिकी फिफ्थ प्लान को भंग कले ओके से निजर सरकार धरिकी आसिले मेजोरीटी नहींक आसिले एंड बर्तमान पुणी इंटरप्शन गोटे आसला जमी तुम्हारा प्लानिंग हलीडे आसाला एवं पुणी गोटे इंटरप्शन आसला दैट इज कॉल्ड योर रोलिंग प्लान ता मतलब सिक्स प्लान आसा पूर्व आउ गोटे मोरारजी देसाई द्वारा गोटे प्लान आसाला जहाँ को कि रोलिंग प्लान भी कहुए परीक्षा क्वेश्चन आसे हु इज द फादर ऑफ रोलिंग प्लान किए तो तुम मोरारजी देसाई हम तो रोलिंग प्लान के 78 रु 80 पर्यटन कौन पर 80 पर्यटन आसला ना पुणी थोड़े तुम इंदिरा गांधी बैक कले ठीक अच्छे तो 80 2 वर्ष पर्यंत ही सारा चली पाला तेना जनरली कह जाए कि भारत वर्ष दुईटा सिक्स इयर प्लान आसवर थी दुटा प्लान तुम अच्छी सिक्स इयर प्लान गोटे जोटा सिक्स ऑफिशियली डिक्लेयर कले कौन 5 वर्ष पर रही सीटा सिक्स इयर प्लान हम तो मैंने इंदिरा गांधी स्टेबल सरकार दे तेणुक सिक्स प्लान आसला के 80 रु 85 नेक्स्ट प्लान जोटा किंतु आपको रोलिंग प्लान भी कहला कारण यहाँ 2 वर्ष मोरारजी देसाई अंडर में आसाला ठीक अच्छे सो बर्तमान यहाँ लिखीदेली के वर्ष पहले ना 2 इयर्स ठीक अच्छे जमी यहाँ गोटे इंटरप्शन थी ये भी गोटे इंटरप्शन मझे आसला ठीक अच्छे मुझे राउंड अप ये कर लास्ट जो मुझे कह गोटे बढ़िया जिनस है सो प्लानिंग हलीडे रोलिंग प्लान पुणी कंटिन्यू चलना सिक्स प्लान इंदिरा गांधी पुणी बैक कले पोवर्टी उपर ध्यान दौले फिफ्थ प्लान ताको कहा जाए गरीबी हटाओ बहुत ही पॉपुलर स्लोगन परीक्षा आसे गरीबी हटाओ के नंबर प्लान रे आसला फिफ्थ प्लान रे आसला सिक्स प्लान रे सही पॉवर्टी एलिमिनेशन बाय इरेडिकेशन ऊपर ही से धरिक आसते तो सिक्स प्लान पुणी 80 रु 85 5 वर्ष पुणी कंटिन्यू कला तेनाली रईट मार दूसरी लिखीदी बर्तमान 5 इयर्स ठीक अच्छे तापर सेवेन्थ प्लान पुणी कंटिन्यू है 85 रु 90 पर्यंत ठीक अच्छे एगेन 5 इयर्स कंटिन्यू सरला तापरे अगेन तुम्हारे इंटरप्शन है 90 रे तमें 2 वर्ष 90 रु 92 पुणी राइट मारदेली ठीक अच्छे केते वर्ष लिखिदबा टिके आम 2 इयर्स तो 2 वर्ष पुणी इंटरप्शन है 1990 बेलू तुम देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी एक दुई रे सेते तुम आई कैन नॉट बिलीव कि से टाइम आम देश में ट्रेडिंग करने बिल्कुल पैसा ही नाला मात्र आम पाखे $2 बिलियन आम पाखे फॉरेन करेंसी थी सो वी कुड नॉट और वी कैन नॉट ट्रेडिंग विथ अदर कंट्रीज तमें आम पाखे बाहर कंट्रीज सहित एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने बिल्कुल पैसा ही नाला क्राइसीस कहुए फॉरेक्स क्राइसीस कहुए फॉरेन एक्सचेंज क्राइसीस बहुत ही पॉपुलर एंड थैंक्स टू क्या ना नरसिम्हा राव एंड डिसीजन थिला कि मनमोहन सिंह आसी जातु कौटि की ना फाइनेंस मिनिस्टर हिसाब से कारण कांग्रेस चाहूला कि प्रणब मुखर्जी हूँ बोली किंतु नरसिम्हा राव निजे डिसीजन नहीं कि नाई मुझा नहींक आसबी ना से आरबी ऑलरेडी गवर्नर हो सारी तुम किए ना मनमोहन सिंह तो मनमोहन सिंह को सुपारिश कले कि तुम्हें सुपारिश कले कि तुम्हें आसी कौन फाइनेंस मिनिस्टर योगदान कर तो पार्लियामेंट्रे 1991 तुम कौन आसला न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ओके 1991 आसला बहुत इंपोर्टेंट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पॉलिसी रिफॉर्म भी कहा जाए देश में गोटे नुआ पॉलिसी आसला ओके एंड पॉपुलर तरह पॉलिसी हूँ कौन पहले ना एलपीजी स्कीम एलपीजी कौन एलपीजी फुल फॉर्म लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन लिबरल करदे टिके छाड़ करदे पेपर वर्क टिके कम करदे रेस्ट्रिक्शन टिके कम करदे प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर मानक एंट्री करने सुजोग दिगला से टाइम कोकोकोला पेप्सी सब बैक कर देश को पुणी से आम देश को बैक कर देखिले कि इंडिया बर्तन कौन है ग्लोबलाइजेशन होगा ओके बाहर कंट्री सहित आम ट्रेडिंग कर लगे ओके धीरे 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 आम अर्थनीति कौन है आउ थे पुणी सुदृढ़ हमारे लगला
सो वी सुड थ्याङ्क्स टु नरसिम्हा राव एन्ड हिज डिसिसन कि मनमोहन सिंह आसि जोगाइदिन्छ एन्ड मनमोहन सिंह बाहिर पढिगा जस्तो इज ए प्योरली इकोनोमिस्ट ओके एन्ड तक भारत पुणि थियो गोटे नुआ अर्थनीतिर गोटे मानते दिशा देखला कारण आम जो इकोनोमिक्स पढ़ुचे तो ये जिन निहाती दरकार हम सो आनुआल प्लान 1992 रे खत्म है तो एनईपी के आसला मुझे कहली पहले 1991 मन रखियो परीक्षा में बहुत इंपोर्टेंट एलपीजी स्कीम एनईपी नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग के आसला 1991 आसला ओके तापर अगेन 1992 रु पुणे अथर सब कंटिन्यू चल आउ इंटरप्शन ना सो एट प्लान पहले आसीगला के 1992 रु 97 पर्यंत पुणी नाइन्थ प्लान आसीगला तुम 97 रु 2002 पर्यंत तो ये सब जगह केते वर्ष आसीपिले ना पांच वर्ष ये भी पांच वर्ष ये भी 5 इयर ठीक अच्छे ये भी उपरटा भी तुम 5 इयर पिले ठीक अच्छे एबे जोटा मुझे राउंड अप करें राउंड अप कर देख युवा सब जगह तुम इंटर ऑप्शन पिले जो राइट मारे एक्सट्रा ताको बर्तमान मुझे काटिदेली ये पॉइंट को मुझे काटिदेली जितकी देख लेफ्ट हैंड साइड राइट मारे राइट हैंड साइड तुम राउंड अप कर दैट इज इंपोर्टेंट सो एगोटा सब जगह इंटर ऑप्शन पिले मन रखे बहुत सुविधा ना देख थ्री पर गोटे इंटर ऑप्शन होती अजुग्म संख्या गुडाक अड डिजिट 357 ओके 3 पर गोटे इंटर ऑप्शन 5 पर गोटे इंटर ऑप्शन 7 पर गोटे इंटर ऑप्शन ठीक अच्छे गोटे मन रखा फर्मुला आउ गोटे फर्मुला केते केते वर्ष इंटरप्शन ना 322 मन रहीगला ना कौन ना पी आर ए सरला खाली फास्ट खाली मन रखे पी आर ए ओवर प्रा जेनाली पंजाबी बड़ भाई को पाजी बोली कहते प्रा बोली कहते मन रही आराम से ओके पी आर ए प्लान हॉलिडे रोलिंग प्लान आनुआल प्लान 322 हम तीन वर्ष पर थ्री थर्ड प्लान पर फिफ्थ प्लान पर एंड सेवेन्थ प्लान आराम से मन रही है परीक्षा एक्जाक्टली क्वेश्चन आस हम सो यहाँ आराम से मतलब लगुच समस्त मन रही थी नाइन्थ प्लान पर्यटन आम जाइए तो मुझे ऊपर नहीं जी नाइन्थ प्लान 1997 रु 2002 पर्यटन गला हम चलो तापर नेक्स्ट बस देख एबे एई पार्ट टाइम देखिदे कौन अच्छी नाइन्थ आम सरी टेन्थ प्लान बर्तन के आसला पहले कंटिन्यू आउ किसी इंटरप्शन नहीं पूरा कंटिन्यू चल रहा 2002 रु 2007 पर्यंत 11 प्लान पुणी 2007 रु 12 पर्यंत मनमोहन सिंह ये टाइम तुम प्रधानमंत्री थे पाखापाखी दुटा टर्म प्रधानमंत्री रहिले तापर ट्वेल्थ प्लान तुम के आसला 2012 रु 2017 पर्यंत आसला हम एंड 2012 रु 17 भितर तुम गोटे इलेक्शन होता से टाइम ठीक अच्छे एंड इलेक्शन रे किए जीति 2014 रे मोदी आसिले ठीक अच्छे सो 2014 रे तुम जिते मोदी विभिन्न प्रकार कैंपेन करूँ से ऑलरेडी डिक्लेयर करते कि जेहेतु प्लानिंग कमिशन एंड फाइनेंस कमिशन रो पावर दुटा जाक सेम रोचे से दुजन जाक फाइनेंशियली डिसीजन नौकरी ओके सो दैट बायस जे भी प्रधानमंत्री आसुचंती जे भी तुम पावर रोचे से सब बायस हो कि जो सेक्टर रे बा जो जगह रे तांको निजर दल जिते थिबो सेई राज्य को ही मु हेल्प करबी ओके कारण फाइनेंस कमिशन रे एक्चुअली काम कोन थिला कि पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करबा तो प्लानिंग कमिशन भी सेई डिसीजन नउथिला तो दिजन जको ड्यूअल काम करथले सेम काम करथले सो से कैंपेनिंग टाइम रे ही अनाउंस कर देथिले कि मु कोन करबी प्लानिंग कमिशन को पूरा पूरी स्क्रैप कर देबी भांगी देबी एंड गोटे नुआ जिनस नै कि आसी सो 2015 रे गोटे नुआ जिनस आसीला दैट इज नोन एज योर नीति आयोग नीति आयोग ओके नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ओके नीति आयोग तापर आसला 2015 जनवरी 1 2015 जनवरी 1 रे तमरो नीति आयोग आसला ता माने हम भारतर सबटु लास्ट फिफ्थ ईयर प्लान हो छि के 12th फाइव ईयर प्लान एटा परीक्षा क्वेश्चन 12th फाइव ईयर प्लान होची हम भारतर सबटु लास्ट फाइव ईयर प्लान सो देयर इज नो 13th फाइव ईयर प्लान इन इंडिया ओके 17 पर्यंत से कंटिन्यू कले ताको स्क्रैप कर दिया गला नुआ आसी गला नीति आयोग 2015 ता माने वर्तमान 2015 टू बा 17 जे भी तमरो 12 सरीला ता परठो नीति आयोग वर्तमान काम करूची दीटा मेजर क्वेश्चन कहबी मन रखिबो ओके प्लानिंग कमिशन इज एन एडवाइजरी बॉडी डायरेक्ट क्वेश्चन परीक्षा रे व्हाट इज प्लानिंग कमिशन ओके ऑप्शन थिवो चारटा प्लानिंग कमिशन इज एन एडवाइजरी बॉडी एंड नीति आयोग इज ए थिंक टैंक ओके थिंक टी एच आई एन के टी एच आई एन के
थिंक टैंक मुझे तुम गोटे सर्ट भिडियो नहींक आसवि नीति आयोग आज खाली मुझे प्लानिंग कमिशन तुमको कहली तेणुक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खाली कहीदेली कि प्लानिंग कमिशन गोटे कौन थी इट वाज एन एडवाइजरी बॉडी बट नीति आयोग इज ए थिंक टैंक कहीं थिंक टैंक कहुए कारण से सब एक्सपर्ट मैंने आसीगले ओके प्लानिंग कमिशन रा टॉप टू बॉटम मॉडल थिला कारण जहाँ प्रधानमंत्री कहते बिकॉज चेयरमैन प्लानिंग कमिशन रा चेयरमैन किए थे निजे प्रधानमंत्री थे ठीक अच्छे तेणु सी जहाँ कहते तले राज्य हो कि तुम यूनाइटेड टेरिटरीज केन्द्र शासित अंचल जो मैंने थे समस्त मानक बाध्य होते दैट्स वे दैट इज कॉल्ड टॉप टू बॉटम मॉडल किंतु तुम कौन आसीगला नीति आयोग आसीगला दैट इज कॉल्ड बॉटम टू टॉप मॉडल तमें समस्ते पार्टिसिपेट करेंगे तेज तुम देख सक उठिला मैंने नरेन्द्र मोदी कह ना कहते बस कि डिस्कसन करुवे तुम जमीक आज तारीख हूँ तुम कैसे 13/7/2021 तमें आज डेट्रे भी तुम प्रधानमंत्री 8 राज्य कोरोना विषय डिस्कसन कर 8 राज्य चीफ मिनिस्टर सहित चीफ मिनिस्टर सहित सब वे जिन चलते बिकज से चाहूँ कि समस्ते पार्टिसिपेट करूँ ओके सो नीति आयोग वर्तमान आम इंडिया अच्छी सो इट रिप्लेस्ड प्लानिंग कमिशन That's it. Thank you, Play. तो ये थिला मोर प्लानिंग कमिशन अब गोटे छोट भिडियो या पर फोन करेंगे थैंक यू प्ले बाय बाय एंड